नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव जुड़ी खबरों पर एक यानी कि ओपिनियन पोल का। जी हाँ, सुबह से टीवी में और सोशल मीडिया पर भी जो है ये खबरें चल रही है कि भाजपा जो है 400 एनडीए 400 प्लस और भाजपा अकेले जो है 370 सीट जो है निकालने में सफल हो पाएगी। ये ओपिनियन पोल कितना सही है कितना गलत है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हमारे सहयोगी अनिता जी से जानेंगे कि ओपिनियन पोल का चुनाव से क्या रिश्ता होता है, कितना माइंड में फर्क पड़ता है लोगों के, और ये सही क्या होता है, इसमें इसकी हकीकत क्या होती है, इसी प्रोसेस जानकारी हम देख लेते हैं। सर, क्या लगता है सर, जो ओपिनियन चल रहा है ओपिनियन, बहुत सारे ओपिनियन पोल आ रहे हैं। हाँ, हर चैनल का अलग अलग आ रहा है, चैनल का अलग प्लस कोई 400 भी आ रहा है, कोई अलग अलग आ रहा है। इतना ही दे रहे कि सरकार आएगी बीजेपी की जी, कितने से आएगी इसके बारे में अलग अलग ज्यादा ये दे रहे हैं। सर, मेरा ये ओपिनियन पोल पे बिल्कुल विश्वास इसलिए नहीं है कि इस प्रकार के जो ओपिनियन पोल होते हैं वो किस तरह से मैनेज किए जाते हैं, वो मैनेज करने वाले लोग जो रहते हैं जी, उनमें से मैं एक हूँ। हाँ, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं मेरी जिंदगी के इलेक्शन स्पेशलिस्ट करके ही मुझे जाना जाता है, और आज तक ऐसा है कि मैंने जिसका चुनाव लड़ा, मतलब कैंपेन किया, वो कभी हारा नहीं है, हर बार वो जीता ही है। और जब मैंने उसका साथ नहीं दिया, उसने मेरा साथ लिया नहीं, तब वो हारा है। मतलब कभी मैं भी चुनाव में खड़ा रहूंगा तो आपको मैं दे दूंगा, आपको तो आपकी सुपारी मेरे पास ही रहेगी, तो मैं आराम से जीत जाऊंगा बिना प्रचार। कैसे है ना, कैसे है ना, नहीं प्रचार तो करना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, अनिल टट्टी का खर्चा भी बहुत होता है। सर, कैसे है ना कि मैं अभी मेरे ख्याल से 1986 में पहला चुनाव जो बड़ा मैंने लड़ा और जीता वो अशोक चौहान का था, जब मुख्यमंत्री बने शंकर राव चौहान और उनकी नांदेड़ की जगह खाली हो गई जी, तो वहाँ पे लोकसभा के लिए अशोक चौहान खड़ा हो गया, और वो बाला साहब विखे पाटिल और भाई सावंत और शंकर राव चौहान जी ने मुझे वो असाइनमेंट दिया था कि उनका रिपोर्ट था सीआईडी का कि भाई अशोक चौहान मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद 25,000 वोटों से हार रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्या गारंटी दे सकते हो। मैं बोला कि देखो, मैं बोलता हूँ उतना अगर बजट आप देते हैं मुझे और आप इंटरफियर नहीं करेंगे और मैंने पैसा कहाँ लिया कहाँ दिया इसका चौकसी नहीं करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं 5 करोड़ में आपको इसको, तब के 5 करोड़ 86 के जी, मैं इसको 25,000 वोटों से जिता सकता हूँ। तो बोले उनको विश्वास नहीं हुआ, वो बोले हमारा क्या यहाँ का मीडिया जो है वो बहुत एकदम हमारे अगेंस्ट है, वो मैनेज नहीं होगा, वो बोलेंगे नहीं हमको पैसा इनका लेने के बजाय इनकी वाट लगाने में इंटरेस्ट है, ऐसे है। उन्होंने नाम भी लिए, वो डोई फुड़े सुधाकर करके एक प्रजावाणी करके पेपर था उसका संपादक था, बाकी भी बहुत सारे थे, सबके नाम लिए उन्होंने। वो बोले हमारे ऊपर वो दुश्मनी करते हैं, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया था ही नहीं, कुछ सोशल भी नहीं था, प्रिंट मीडिया था और अलग अलग छोटे छोटे संगठन और ये थे वो था। सर, ऐसा हो गया कि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ तो किस तरह से इलेक्शन घुमाया जाता है। तो सर, मैंने क्या किया कि उस समय अशोक चौहान के सामने प्रकाश अंबेडकर खड़ा था, तो प्रकाश अंबेडकर के साथ शेतकरी संगठना करके शरद जोशी की जीत हो वो भी थी, और शेतकरी संगठना में मराठा डोमिनेंस था लोगों का कास्ट वाइज, और प्रकाश के साथ दलित समाज था, शरद पवार थे और माधव गडकरी थे, वो उसका प्रचार भी कर रहे थे। तो मेरी लड़ाई डायरेक्ट शरद पवार और माधव गडकरी से और ये तुम्हारा अंबेडकर से थी। तो मैंने क्या किया कि मैं सब पेपर के पास पहले चौकीश गया उनके वार्ताहरों से कि किसको कितना कर्जा है और किसने कौन पेपर वाला ऐसा है कि वो कहाँ डूब रहा है, कहाँ मुश्किल में है जी। तो सबसे पहले मुझे पता चला कि मैं नाम ले रहा हूँ, वो नाम लेने में मजा है, नहीं तो सर पता नहीं चलता है। सुधाकर डोई फोड़े, उसको कम से कम 10 लाख का कर्जा है और वो पेपर अभी ऐसा उसका डावाडोल हो रहा है, टाइम पे पगार नहीं हो रही लोगों के वगैरह। और मेरा क्या है ना, मैं सभी पार्टी का हूँ जी, मेरे चाचा समाजवादी पार्टी के थे, एस एम जोशी का मैं पीए रहा हूँ, शरद पवार का भी पीए रहा हूँ, तो मेरे रिलेशनशिप नेटवर्क था। तो मैं नांदेड़ की प्रजावाणी के संपादक के पास गया, मैं बोला मैं यदुनाथ का पुतण्या हूँ, तो बोले हाँ मैं जानता हूँ तू लिखता है कितना, मैं भी तेरा चाहने वाला हूँ। मैं बोला मेरे एक ऑफर है,
आप आपका पेपर पूरा निकालो, आपके 6 पन्ने रह जाए, 5 पन्ने आप लिखिए, सिर्फ पहले पन्ने पे आधा पेज जो नीचे का है वो मैं लिखूंगा रोज। अच्छा, और उसमें मैं जो लिखूंगा उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो जैसा मैं लिखूंगा आप छापेंगे वो और आपके खिलाफ होगा, प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ होगा। तो बोले मेरा क्या फायदा, वो तो सर पूछते ही है ना सर। तो मैं बोला फायदा आपका 10 लाख का लोन है, मैं बैग लेके आया हूँ, 10 लाख है उसमें कैश, आपको अभी दे देता हूँ, आप लोन फेर दीजिए, मेरे को आधा पेज दीजिए। सर 5 मिनट के अंदर वो मान गए, 1 मिनट खाली बोला कि ठीक है चलो, होना ही था वो। सर ऑलमोस्ट एक छोड़ के सब पेपर मैंने खरीद लिए इस तरह से, जिसका जितना कर्जा बाकी है उतना सब दे दिया उसको, पेपर वाले हाथ में आ गए। फिर छोटे छोटे संगठन थे, वो ये शेतकरी संगठन था, तो उनके लोगों को मैंने बोला कि तुम अभी मराठा अशोक चौहान के साइड में रहोगे कि अंबेडकर के साइड में रहोगे, तो उनकी मराठा अस्मिता जो मनोज जरांगे ने अभी जगाई है वो जाग गई। तो बोले नहीं सर, और एक मैंने किया, वो कानून से ठीक नहीं है, वो अनैतिक भी है। मैंने क्या किया कि कम से कम 5 ट्रक भर के गुलाल और 5 ट्रक भर के नील हाँ। जो रिपब्लिकन पार्टी वाले लगाते हैं ना, वो नांदेड़ में मैं लेके आया, और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे उनको बुलाया मैंने, और हर एक को 1-1 लाख रुपया दिया। मैं बोला गाँव में इतना ही आपको करना है, क्या जो रास्ते में मिलेगा उसको ये नील लगाने का है और जय भीम बोलने का है, बाकी कुछ नहीं करने का है। और क्षेत्रीय संगठन के लोग जो थे उनको मैंने बोला कि ये आपको जहाँ जाएंगे वहाँ ये गुलाल लगाना है, और लोगों को पूछना है कि आपको नील चाहिए या गुलाल चाहिए, और बोलने का जय शिवाजी जय भवानी। सर आप बिलू नहीं करेंगे, एक ये गिमिक था छोटा सा, और पूरे शहर का माहौल बन गया कि लोग इनकार करने लगे, हमको नील मत लगाओ, हम जय भीम नहीं बोलेंगे। और वो लोग बोलने लगे हम जय शिवाजी जय भवानी नहीं बोलेंगे, हमको गुलाल मत लगाओ। सर इतना तनाव पैदा हुआ, और मैं जो लिखता था वो यहाँ लिखता था वो छोड़ो, मैंने महाराष्ट्र टाइम लोकसत्ता के फुल पेज खरीद लिए, फुल पेज, ये कंडीशन पे मैं जो लिखूंगा वो वहाँ आएगा। शरद पवार ने एक बार माधव गडकरी को पूछा कि अनिल तथे क्या कर क्या रहा है, उसका खुद का पेपर है वो छापता है, वो समझ सकते हैं उसका लाखों कॉपी वो शहर में बांट ही रहा है, मगर महाराष्ट्र टाइम्स और लोकसत्ता में फुल पेज इसका अंदर का, ये क्या चल रहा है इसका कैंपेन, मैंने कभी देखा नहीं दुनिया में। सर वो कैंपेन मैंने इसने उसमें अंडर करंट लाए, वर्तमान पत्रों को ही बोला कि तुम सर्वे करो जी, लोगों से बात करो, और मैं जो देता हूँ निष्कर्ष दे दूँ कि अशोक चौहान 1 लाख से जीतेगा, 25,000 से जीतेगा, 50,000 से जीतेगा, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं प्रकाश अम्बेडकर का। सर इतने सर्वे सब पेपर ने किए, सब में अशोक चौहान आगे था, और फाइनली अशोक चौहान 1,25,000 वोट से जीत गए। क्या बात है, क्या बात है। ये सर ये, एक मैंने मैनेज किया, वो छोड़ो ऐसे कम से कम 20-25 इलेक्शन मैंने मैनेज किए, जिसमें मनोहर जोशी के 2 इलेक्शन है, दोनों में जीत गए। तो मतलब जो इस समय माहौल बना रहा है जो ओपिनियन पोल से एक तरह से ये भी एक वही है माइंड गेम है। सर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा दोस्तों में अनुभव शेयर कर रहा हूँ, आप अभी मेरे को ना माफी सर साक्षीदास कहो, मैं नाम लेता हूँ। सर मेरे पास ऐसे इलेक्शन के टाइम में ऑफर रहते हैं कि हमारी अगर पेपर की, हमारा पेपर उस समय उसका तो पेपर 3-4 लाख खपता था, हमारी अगर हेडलाइन तुमको चाहिए कि तुम्हारा उम्मीदवार घोड़दौड़ आगे, ऐसा हेडलाइन चाहिए तो हमको 5 लाख रुपया दो। उस समय 5 लाख रुपया हम उसकी हेडलाइन छापेंगे और पूरा आधा पेज उसका छापेंगे। अभी कितना, अभी इसका वैल्यू कितना, 50 लाख हो जाएगा? नहीं इतना नहीं हुआ है सर, इतना पेपर का भाव अभी कम हो गया सर। अच्छा अच्छा, क्योंकि पेपर खपते नहीं है अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मैनेज करना था। ये लाइव दिखाते हैं ना, अगर मेरे को लाइव दिखाना है, कल मेरा भी दिखाएंगे, मैं कोई भाषण करूंगा तो सर कैसे है ना, इसका मिनट के ऊपर पैसा रहता है, आपका 30 मिनट अगर दिखाया तो आपको 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं आज की स्थिति में। अगर उससे ज्यादा दिया तो उस हिसाब से 10-15-20 लाख-25 लाख में लाइव दिखाते हैं, और सभी पार्टी वाले देते हैं, ऑलमोस्ट सभी वाले जी देते हैं, ये उसके बिना वो लाइव करेंगे ही नहीं, वो दूसरा कुछ दिखाएंगे, सर्कस दिखाएंगे मगर आपका नहीं दिखाएंगे। और इसका दिखाए तो उसको भी दिखाना पड़ता है, वो चर्चा चलती है। सर अग्रलेख चाहिए आपको हमारे ऊपर, कुछ नहीं 2.5 लाख सर, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख मैंने खुद दिए पत्रकारों को,
और छप के लाया है, सर्वे लाया है। सर इतना ही नहीं, एक बार ऐसा हो गया, एक पेपर के मालिक को मैंने एक शिवसेना उम्मीदवार का 5 लाख रुपया दिया और उसको बोला कि ये फुल पाव पेज उसका चाहिए मुझे। तभी मेरे ध्यान में नहीं रहा कि कांग्रेस वाले का भी पैसा आ गया मेरे पास और उसी पेपर के लिए आ गया और उतना ही पैसा आ गया। तो मैं गया उनके पास, मैं बोला इसका भी 5 लाख आया और उसको कल फ्रंट पेज पे ही चाहिए, क्या करेंगे हम, ऐसा करते हैं हम, ऐसा ग्राहकों को छुट्टियाँ बनाने के बहुत धंधे सर, ये ना अभी इधर समझो, ये पेपर का नाम नहीं लेंगे हम लोग, ये मास्टर है ना पेपर का, ये 2-3 बार डालते हैं। हाँ हाँ, मतलब ये पेपर आपने खोला तो यहाँ पे भी वो ऐसा लगेगा फ्रंट पेज है, वहाँ पे फ्रंट पेज का आभास भी करते हैं, तीसरा पेज भी फ्रंट पेज, खाली हेडिंग डालना रहता, हेडलाइन नहीं, हेडलाइन अलग अलग होती है। अच्छा। और वो बोलता है कि ये भी फ्रंट पेज, ये भी पेज, ये फ्रंट पेज है, ये फ्रंट सेकंड पेज है, इंग्लिश में तो बहुत चलता है, चलता है चलता है। मैं कवर पेज लेता हूँ ना सर, अभी हाल ही में मैंने फ्रंट पेज लिए ना पेपर के, तो मैंने बोला कि मेरे को फ्रंट पेज चाहिए, वो बोले जैकेट अलग आएगा, जैकेट मतलब पूरा पेज ऐसा आगे पीछे से वो अलग आएगा, मगर जहां पे हमारा मेन न्यूज है वहां आपका एड लगेगा। सर 3-3, 4-4 फ्रंट पेज बनाते हैं, तो वो बोला मैं ऐसा करूं, मैं बोला नहीं उसको पेपर हाथ में आते ही चाहिए। तो सर ये 20 पेपर है, इसमें से योगा वैसा ये पेपर ऊपर है, इसका कोई संबंध नहीं उससे। तो मैं उसने क्या किया मालूम है, 5 लाख लेके यहाँ पे कांग्रेस का कैसा जी? उसी मतदार संघ में है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, उसी मतदार संघ में उसने, मेरे से ही लिखवा लेते हैं ये सब। इसमें मैंने लिखा था कांग्रेस के उम्मीदवार अमुक तमुक यांची बाजी निश्चित, मतलब ये जीतने वाले हैं। अभी वो शिवसेना का जो उम्मीदवार था लिखा इतरांना मागे टेकून शिवसेनेचे उमेदवारांची घोडदौड़ और दोनों छाप गए। पब्लिक को भी इतनी अकल नहीं, कैसे, मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ, साले दोनों का पैसा दिख रहा है इसमें, दोनों एक साथ देख रहे हैं और फिर भी आपको शक नहीं होता। पब्लिक को पढ़ना ही है ना सर, क्या करना है आपको, क्या पढ़ना है, पानी देना मतलब क्या पढ़ना है इसमें, दोनों का तुम ये करो। सर इतना ही नहीं, कई पेपर तो ऐसे है कि सर्वे का निकाल एक ये इधर देते हैं एक पार्टी के लिए पैसा जी, उसके खिलाफ का सर्वे इधर देते हैं। चैनल वालों को भी हम मैनेज करते हैं सर, लाइव मैनेज करते हैं, वो तो छोड़ो सर, इलेक्शन के समय आपके रैली का 1 मिनट दिखाने का 10 लाख रुपया लेते हैं। 1 मिनट आपकी रैली दिखानी है, 1 मिनट खाली, कि यहां से आप गए, 1 मिनट है कम, 10-20 सेकंड नहीं, 1 मिनट, तो 10 लाख रुपया लेते हैं कि वो अमुक अमुक उमेदवारांची रैली, रैलीला प्रचंड प्रतिसाद, हजारों नागरिकांची गर्दी, प्रचंड स्वागत, ठिकठिकाणी हार बीर, उसका एक दृश्य ये हो गया, एक रील टाइप जितना जितना रील होता है, हाँ, 1 मिनट का होता है, 1 लाख सर, ये रेट से पैसा लेते हैं। तो ये सब करने वाले अभी जो आ रहे टीवी पे, उनका नाम नहीं लेंगे हम किसी का, मगर सर मैं बोलता हूँ आज आपको अगर नेशनल लेवल पे सर्वे चाहिए, सर ये देश कितने करोड़ का है बताओ मुझे, 140 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 140 करोड़ में आप 1 लाख लोगों का सर्वे करते हैं जी, कितना परसेंट हो गया, 0.00 और वो 1 लाख लोगों के आधार पर आप नेशनल पर्सपेक्टिव दे रहे कि बीजेपी के इतने आएंगे, इसके इतने आएंगे, 1 लाख लोग, वो भी तुमने चुने हुए, बिल्कुल तुमने चुने हैं ना, तुमको सर पहले कैसा है ना, ये अभी जो सर्वे है ना वो अगर स्टेट लेवल सर्वे है ना तो 25-50 करोड़ देना पड़ता है, ये सब धंधे में मैं माहिर हूँ और ये कर चुका हूँ, करके मैं ही बता सकता हूँ सर, ये जब तक विभीषण नहीं निकलता है रावण का भेद नहीं निकलता है लंका का, वैसे है सर 25-50 करोड़ आप देते हैं तो स्टेट का आपको जैसे चाहिए वैसा सर्वे मिल सकता है। अभी उद्योग को अगर नंबर एक का मुख्यमंत्री दिखाना है देश में तो मुझे कुछ नहीं है, संजय से 25-30-40 करोड़ लेने हैं और वो एजेंसी को देने हैं, हो गया, हुआ था ना कोरोना काल में, हाँ वो तो मैनेज होता है ना वैसा, उद्योग नंबर वन मुख्यमंत्री, अभी हमको इनको करना है और 25-50 करोड़ डालो, ये नंबर वन हो जाएंगे, उनके बाप का क्या जाता है, 25 करोड़ मिला 50 करोड़ मिला उनका तो उससे मतलब है, उससे मतलब है, अरे जो मुख्यमंत्री नहीं है वो भी भावी मुख्यमंत्री करके करते हैं ना, अभी भावी मुख्यमंत्री का भी रेट है सर, हाँ 2-5 लेख दे दो भावी मुख्यमंत्री करके आपका बैनर का फोटो छापते पेपर में या टीवी पे दिखाते हैं, सर टीवी वाले
सब नहीं बोलते हम लोग क्योंकि अपने को खटला लेना नहीं है आपके ऊपर। सर ये एडवर्टाइजमेंट जो चल रहे हैं गवर्नमेंट के, उसका जो आंकड़ा मुझे मिला है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ के ऐड रिलीज किए हैं मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक, और महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ के रिलीज, 30,000 करोड़ हो गए। नहीं तो यहाँ के पंजाब का आ रहा है इधर, वो छोड़ो ही, लाखों करोड़ हो गए फिर। सर ये सबसे बड़ी बात है कि ये अगर चैनल को इतना पैसा, सर एक मिनट नहीं जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के बिना। सर पेपर देखिए ना, फ्रंट पेज पे कुछ छवि नहीं रखा। नहीं नहीं नहीं, देखो ना सर, ये देखो जितने बड़े पेपर है सब फ्रंट गायब, सब सबका ये गायब है। जी जी, और अंदर भी पूरे भरे हुए। सर इतना पैसा लेने के बाद सर इसमें एक और, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ज्यादा होशियार था सर, ये प्रशांत किशोर से ज्यादा होशियार था। जब ये एड रिलीज करते थे ना हमारे क्लाइंट्स, तो मैं उनको बोलता था कि उस चैनल के चीफ को, मतलब एडिटर को नहीं मालिक को, आप एक फोन करके बोलो कि वैसे तो बजट में तंगी है हमारी इस बार, मगर आपके लिए एक 25 करोड़ का बजट हमने खास आपके लिए सैंक्शन किया है, जरा आप एडिटर को थोड़ा सा संभाल लीजिए, उसको बोलो कि न्यूज़ देते समय थोड़ा ख्याल रखे कि भाई हम भी आपके दोस्त हैं। सर वो मालिक उसके ऊपर कंट्रोल लगता था, होता था ना सर। अभी क्या हुआ है ना, ये अनाप शनाप ऐड दे रहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 5,000 करोड़ के ऐड खाने के बावजूद, उसका करपट ढेकर आ रहा है, इतना खाया है इन्होंने, फिर भी बीजेपी के इसके खिलाफ उंगली करते रहते हैं ताकि और आए। हाँ ब्लैकमेल है ना, कि तुमने दिया वो काफी नहीं है हमको, अगले इलेक्शन में तो 5,000 करोड़ नहीं 25,000 करोड़ चाहिए, इसकी उंगली है। मगर मालिक से अगर बात आप ठीक तरह से किए होंगे। सर मैंने तो आपको कितना मिनट हो गया बेटा, ए कितना मिनट हुआ है, 16 मिनट सर, 2 मिनट लेता हूँ मैं। ये बोगस होते हैं सर वे ज्यादा करके, अभी इसको बोगस नहीं बोलते हैं, ये बोलेगा तेरे ऊपर खटला करता हूँ, ऑलरेडी 100 करोड़ टीके अपने पास खटले हैं तो, मगर ये मैनेज होते हैं सब, अपने को कैसे चाहिए। अगर मुझे चाहिए कि 400 क्या 450 मिल रहे हैं बीजेपी को, वो भी मिलेगा सर्वे करके पैसा देके। सर इससे बड़ी बात मैंने ये की थी, मुझे बताया कि नहीं मैंने आपने, मैंने एक इंश्योरेंस निकाला था मीडिया इंश्योरेंस। वो ऐसा था कि आप हमसे, आपकी हैसियत के हिसाब से हम 5 लाख से 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक देंगे, उसके बदले आपको क्या करना है कि आपको हमारे खिलाफ कुछ नहीं छापना है, हमारा अपोजिशन है ना उसके बाजू से कुछ भी छापो, हमारे बाजू से छापो नहीं छापो, हमारे बाजू से भी छापने की जरूरत नहीं, हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं आना चाहिए। वो अगर उसके भाषण में बोलता है हमारे खिलाफ, तो उतना काटकरी लगा दो उसको, वो अपनी स्तुति करता है हमने यों किया त्यों किया, छापो छापो दिखा, मगर हमारे नहीं। वो सर इंश्योरेंस इतना चला मेरा, मैंने ख्याल से 30-40 करोड़ का इंश्योरेंस था वो चैनल, और इसमें बहुत अच्छा चला, मेरे क्लाइंट सब बच गए, उनके खिलाफ कुछ आया नहीं पेपर में, और इसमें भी नहीं आया चैनल पे, और खाली इंश्योरेंस था। वो एक लीडर तो मुझे पहले पागल बोल रहे थे, अनिल ऐसा इंश्योरेंस होता है क्या कभी, मैं बोला करके तो देखो एक बार, आपको डर है क्योंकि आपके ऊपर एलिगेशन बहुत है, आपके खिलाफ खटली भी बहुत है, वो अगर ये छापने लगेंगे तो अपनी प्रतिमा भंग हो जाएंगे, और प्रतिमा आप पॉजिटिव कैसे करेंगे पैसा देके, ये तो रोज छापेंगे, इससे अच्छा है इसका ये बंद कर देते हैं ना इंश्योरेंस करके। तो बोले देख तू थोड़ा सा करके ले, मैं बोला पूरा करना पड़ेगा, ये आजकल आधे में सर एडवांस लेते थे पहले आधा, और बोलते थे इलेक्शन के बाद बाकी दो, अभी नहीं मानते हैं, अब सब पेपर वाले और चैनल वालों से मेरी या मेरे एजेंसीज जो है उनकी बात हो रही है ना, मैं अभी पीछे रहता हूँ थोड़ा, क्योंकि क्या मैं ऐसा खोल के बोल देता हूँ ना तो उनको डर लगता है मेरा, तो मैं मेरी एजेंसीज बहुत है तो वो बात करते हैं, उनको मालूम भी नहीं कि अनिल सत्ते ही ये सब मॉनिटर कर रहा है। सर वो बोलते हैं अभी 50% बात का नहीं, वो डुबा देते हैं लीडर लोग और हम वसूल नहीं कर पाते, पहले 100% एडवांस दो तो कल से चालू होगा। सर ये दुनिया बदल गई, ये सर्वे विरवे जो है ना उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करो, आप चाहिए तो कैसा चाहिए वो सर्वे बोलिए, बजट दे दीजिए, कल मैं मी आघाड़ी महाराष्ट्र में सत्ता में आ रही है ऐसा भी आपको सर्वे करके दूंगा। मैं संजय को एक बार बोला था, साले तुम लोग इतना खर्चा करते हैं इसके ऊपर खर्चा करो और एक ऐसा सर्वे लाओ, वो बोला किया ना उद्धव का पहला नंबर, वो पैसा दे के किया था। ठीक है तो हम ओपिनियन पोल पे बात कर रहे थे कि 12 कोई भरोसा मत करो, और आप किसको वोट करने वाले, सारी सारी गोष्ट है जी, आप किसको वोट करेंगे, मोदी को करेंगे कि नहीं, मोदी को क्या राहुल को करेंगे, नहीं नहीं किसको करेंगे,
इसको बोला ना, हम कैसे बोले सर, हम क्यों बोले, क्यों सर, हम ये सारी बात है ना, हम न्यूट्रल है सर, न्यूट्रल है वो, न्यूट्रल होते सर, न्यूट्रल नपुंसक होते हैं वो, नहीं छोड़ो, मैं मोदी को वोट करूंगा, तू कुणाल को वोट करना, मोदी, ये देखो मेरा स्टाफ भी सब बोल रहा है मोदी मोदी, ये अकेला ही राहुल है, नहीं नहीं देखो राहुल भी नहीं, मोदी भी नहीं, हाँ ये फिर तू क्या नोटा डालने वाला है, नहीं फिर कुछ भी नहीं, अगर सब बता के करेंगे तो फिर वोटिंग के मतलब नहीं ना सर, नहीं नहीं सर इसमें कुछ नहीं, हिम्मत लगती है मैं मोदी को वोट करने वाला बोलने के लिए भी, ठीक है भाई भी मोदी, हाँ चलो 100% लोग ये सर्वे में मोदी को वोट कर रहे हैं, लोगों से भी पूछ लेते हैं, वो भी करेंगे, हमारे पास अराउंड 70,000 अगर सब्सक्राइबर हैं, अगर उसमें से कितने परसेंटेज मोदी जी को वोट करने वाले, 70 में से 60,000 तो मोदी को करेंगे, तो आप लोग भी जो है बटन दबाइए, हाँ ये सर्वे करो, हम भी अपना सर्वे देख लेते हैं, हमारे चैनल का सर्वे देख लेते हैं, चैनल का सर्वे तो मैं अभी बता देता हूँ, तो जरूर जरूर बताइए, जरूर बताइए अपनी, और लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत, हाँ चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अनिल गगन विधि थे उसको भी सब्सक्राइब करो बाबा, बड़ी मुश्किल से 1,000 कितना हुआ है अभी, 1,000 देखो 2,000 ही हुआ है, और हमारी परेशानी ये है कि हमारे 9 से ज्यादा वीडियो जाते नहीं, फिर करो करो, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।